अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी रिसेंटली एक PSL का एड आया है बाबर आज़म का, और उसमें आया है प्लेड बाबर आज़म्स डैड। सो जब मुझे कहानी बताई गई कि इट्स स्टोरी अबाउट बाबर आज़म, तो आई वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। और जिस तरीके से उसको फिल्माया गया और जिस तरीके से पॉइंट्स बताए गए कि जी ये सब कुछ बाबर आज़म की ज़िंदगी में हो चुका है, और उसके वालिद साहब ने बहुत मोटिवेट किया है टू डू द बेस्ट इन लाइफ। मुझे लगता है कि हर वालिद अपने बेटे के लिए ख्वाब देखता है, लेकिन बहुत कम वालिद ऐसे होते हैं जो उन ख्वाबों के पीछे पड़ जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बना के छोड़ूंगा। सो मुझे लगता है कि आज़म साहब ने अपने बेटे का जो ख्वाब है, अपना और अपने बेटे का ख्वाब, वो इसी तरह ही पूरा किया। ख्वाब अपने अधूरे पूरे कैसे होंगे, ख्वाब अपने। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, हमेशा जल्दी आउट होते रहोगे। बड़े स्कोर करोगे तो बड़ा नाम होगा। बाबर क्या बात है यार, क्या सेंचुरी मारी है यार। जिसमें वो कहता है, बेटे बच्चे आते हैं और वो कहता है कि अरे बाबर कमाल कर दिया, तुमने सेंचुरी बना दी। तो अब्बा जो हैं वो कहते हैं कि लेकिन मैच तो हार गए। बेटों को या बच्चों को ये लगता है कि हमारे लिए हमारे अब्बा जो हैं वो बहुत सख्त हैं, लेकिन असल में वो यही होता है कि वो अपने बेटों की या अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। दो बॉक्स दे दीजिएगा, 200 रुपए के। एक दे दें। शुक्रिया। आओ बेटा, खाना खा लो। आप खाएं, मैंने खा लिया। आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बारी आ गई है। एक और जगह जो कि बहुत इमोशनल थी, और उसमें कहा गया कि 100 रुपये होते हैं, तो वो कहता है कि जी 2 बिरयानी की प्लेट्स दे दें, तो कहते हैं कि जिसमें एक आएगी। सो बाप अपने सेक्रीफाइस करता है और अपने बेटे के लिए वो प्लेट रखता है, और बेटे को अंदाज़ा हो जाता है, तो वो कहता है कि जी बाप को ये खाना चाहिए। तो आप ये बाप और बेटे की जो मोहब्बत है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई, एंड इट रियली ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज कि मुझे लगता है कि जितने भी बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। हर जगह पे माँ का नाम आता है कि जी माँ बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए करती है, लेकिन बाप का जो रोल में दिखाया गया है, दैट वाज फैंटास्टिक। और एक लास्ट में जो एक बहुत अच्छी लाइन थी, तो मैं अपने बेटे से या इसे बाबर से पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो, एंड ही सेज़ के मेरी बारी आ गई है। एक ड्रीम ज़रूर बनाएं, अपनी ज़िंदगी में एक डेस्टिनेशन ज़रूर रखें, और सारी ज़िंदगी उसको पाने के लिए अगर आप चला लेंगे तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। सो हमेशा उन लोगों को कामयाबी मिलती है जो उनके लिए स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। सो दिस इज़ इट, इट इज़ ऑल अबाउट जी योर ड्रीम्स। अपनी ख्वाब पूरे करने चाहिए। बाबर आज़म ने अपने ख्वाब पूरे किए हैं, और बहुत से ऐसे बाप हैं जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, और वो अपने बेटों से और अपनी बेटियों से बहुत से ख्वाब बना के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करेगी। तो प्लीज़ अपने बेटे या अपनी बेटी का साथ दें और उनके ख्वाब पूरे करें। आपका बहुत शुक्रिया। लेवल है।